फ्रेंड्स, बिहार एलआरसी जेई कट ऑफ क्या होगा, आज ये स्पेशल टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने एलआरसी जेई में फॉर्म भरा था। जब मैं बीटीएससी जेई, बिहार बीटीएससी जेई का जब मैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता रहा था तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर बिहार एलआरसी जेई की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। तो आज हम पेश हैं उसी के लिए और इस पूरी ये पूरी वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैनल है आपके लिए हर एक वैकेंसी के बारे में पूरा मैटर प्रोवाइड करता है। खास तौर से जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं उनके लिए मैं खास तौर से वीडियो लाता रहता हूँ, तरह तरह की काम की चीज लाता रहता हूँ। इसलिए दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको अपडेट करते रहिए। तो आप अपने चैनल जीएस स्पार पर ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको जो भी डाउट होगा एलआरसी जेई के बारे में हम उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, एक बात और बता दें कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आती है ये ऐसे हवा में नहीं बोल दी जाती है, ये हम लोग एक वोटिंग पोल बूथ बनाते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स अपने परसेंटेज को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद उसी में से ये रिजल्ट्स को बनाया जाता है कि हाँ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। बाकी जो डेट आएगी, जब क्लियर कट ऑफ आएगी तो उसको भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलआरसी जेई कट ऑफ क्या है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जो एलआरसी जेई है ये विशेष सर्वेक्षण अमीन के नाम से पोस्ट आई थी। जो लोग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, फ्रेशर भी हैं, उनके लिए ये सब ये वैकेंसी आई हुई थी। 4950 पोस्ट थी संविदा के बेस पर बिहार में। और इस पे कैसे डिप्लोमा में कैसे इसमें मेरिट तैयार होगी, क्यों मेरिट बेस जॉब है, कैसे तैयार होगी इसमें, जो डिप्लोमा में आप लोग जो डिप्लोमा में नंबर गेन किए हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले, उसका 90% मार्क्स और मैट्रिक का 10% मार्क्स दोनों निकाल कर ऐड करेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, नंबर बनेगा, एवरेज परसेंटेज बनेगा। उसी के आधार पर ये एवरेज परसेंटेज आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो हम ये परसेंटेज यहाँ बता रहे हैं ये आपके डिप्लोमा के परसेंटेज के बेस पे है, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग पूछते हैं ये जो परसेंटेज दिखा रहे हैं ये डिप्लोमा में आपने कितना पास किया है, क्योंकि हाई स्कूल में मैक्सिमम लोग 60 से 70 के बीच होते ही हैं तो 10% का बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। ये आपके डिप्लोमा का परसेंटेज है, जो लोग डिप्लोमा में नंबर गेन किए हैं उसका परसेंटेज यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। दोस्तों, एक बात बहुत ही अच्छे से बता दें कि जो बिहार एलआरसी जे की कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। क्यों ज्यादा नहीं जाने वाली है, क्योंकि अभी हाल में ही एक वैकेंसी आई थी बिहार पीआरडी के नाम से, पंचायती राज डिपार्टमेंट के नाम से आई थी वैकेंसी। बहुत सारे लोग उसमें सिलेक्ट हो गए हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज था और बहुत सारे लोग उसमें सिलेक्ट हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। और पीआरडी में डिस्ट्रिक्ट वाइज था, उसमें मेरिट गई थी 80 से 82 के बीच गई थी, इतने परसेंटेज वाले क्या हुए थे, सेलेक्ट हो गए थे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे आपको मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी और कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी, क्या एक्सपेक्टेड है, देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर कैटेगरी के बारे में, तो जनरल की कैटेगरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनरल की कैटेगरी डिप्लोमा में जिनका 79 से 80% है वो क्या हो जाएंगे, आपके जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले 77 से 78 के बीच परसेंटेज वाले, इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये आ रही है। ओबीसी के लिए 75 से 76% वाले आ रहे हैं, ईबीसी के लिए आ रहे हैं 72 से 73%, और एससी एसटी का जो कट ऑफ है लगभग बराबर रहेगा, 70% के ऊपर वाले जो होंगे वो एलिजिबल, वो सेलेक्ट हो सकते हैं। और गर्ल्स भी जो है 70% के ऊपर वाले जो है वो सेलेक्ट हो सकती हैं। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा ताकि आप बाद में इसको देख सकें। और अब बात करते हैं अदर स्टेट्स वालों की, जो अदर स्टेट्स में सिलेक्ट हुए वाले फॉर्म भरे उनकी क्या चांसेस है। तो जो अदर स्टेट है यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, एक बार फिर से मेंशन करना चाहते हैं, अदर स्टेट वालों को जो परसेंटेज है वो 80 से 82 के बीच रहेगा। 80 से 82 के बीच अदर स्टेट्स के चांस हैं कि अदर स्टेट वाले जो 80 से 82 डिप्लोमा में परसेंटेज गेन किए हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस में हैं। ये संविदा बेस की जॉब थी। अब हम बात करते हैं मेन फैक्टर्स के बारे में कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो बुरा बना हुआ है आपका परसेंटेज जो हमने फॉर्म भरा है, एक ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसमें आपको नाम देखना पड़ेगा कि हाँ मेरा नाम है कि नहीं। ये आपको अप्रैल के लास्ट वीक तक, जहां तक संभावना जताई जा रही है, ये साइट पे अपलोड हो जाए। इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट वो आपको मई के 2 या 3 सप्ताह के बीच में आएगी।
उसी फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि मेरा चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग का डेट आएगी। ज्वाइनिंग आपकी इलेक्शन के बाद ही होगी। जून जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग होने की संभावना है। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है। जिसको जो भी दिक्कत हो, इस फॉर्म के बारे में कुछ भी जानना हो, मेरा इतना परसेंटेज है, मेरा सिलेक्शन होगा कि होगा नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, उस पर एनालिसिस की जाएगी और एक एक चीज आपको बारीकी से कॉन्सेप्ट बेस से बताया जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए मैं ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके साथ हमेशा बने रहते हैं आपके इस चैनल जीएस स्पार्क में। ओके दोस्तों, बाय बाय।